तुम्हें चुनाव करना है, तुम्हें किसके लिए जीना है। आपके सामने सारी चीजें हैं, दुनिया भी दुख संघर्ष पीड़ा सब कुछ है, लेकिन पत्रस ने बता दिया कि भैया तुम परदेशी हो, तुम्हारी दुनिया ये तुम्हारा घर नहीं है। कुछ समय के बाद तुम अनंत काल की आशीषों के सहभागी हो जाओगे जो स्वर्ग में तुम्हें मिलने वाली है। ये संसार में तुम परदेशी हो, तुम्हारा घर ये नहीं है, और तुम्हारे जो दुख हैं, तुम्हारी जो पीड़ाएं हैं, ये कुछ समय के कुछ पल के हैं, ये खत्म हो जाएंगे, ये ढल जाएंगे, चले जाएंगे। और जैसे कि प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि मैं सबके तुम्हारे आंखों के आंसुओं को वो पोंछ डालेगा। हालेलुया, वो समय भी आने वाला है। इसलिए जब तुम इस वर्तमान में जब तुम दुख उठाते हो, तुम दर्द उठाते हो, इस संसार में जो पाप से घिरा हो अपने जीवन को तुम जी रहे हो, तुम चुनाव करो तुम्हें किसके लिए जीना है। तुम्हें अपने लिए जीना है या तुम्हें प्रभु के लिए जीना है। इस बात को वो उनके सामने रखता है। वो हमारा आज का विषय भी यही है, चुनाव करो किसके लिए जीना है। आप चुनाव कीजिए किसके लिए जीना है। जब हम इस वर्तमान संसार में हम रहते हैं, आप देखते हैं संसार में बहुत सारी चीजें हमारे सामने ऐसी हैं जो एक विश्वासी के जीवन से बिल्कुल दूर होनी चाहिए, जिनसे हमें नफरत करनी चाहिए। ऐसी चीजें हमारे सामने हैं और उन चीजों की अभिलाषा हमारा मन हमारा जीवन करता है। लेकिन आपको चुनाव करना है, आपको इस संसार का आनंद उठाना है, संसार की चीजों का आनंद उठाना है, या फिर आपको अनंत काल की आशीषों का आनंद उठाना है। आपको चुनाव करना है। आपको इस वर्तमान संसार में खुद के लिए जीना है, खुद की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, खुद के जीवन का मनोरंजन पूरा करने के लिए, खुद इस संसार में सब कुछ हासिल करने के लिए खुद के लिए जीना है, या फिर प्रभु के लिए जीना है जो अनंत काल के लिए तुम्हारे साथ में होगा, या तुम्हें प्रभु के लिए जीना है जो तुम्हारे लिए संसार में आकर जिसने अपनी कुर्बानी तुम्हें दी है। तुम निर्णय लो किसके लिए तुम जियोगे, खुद के लिए जीना है या तुम्हें प्रभु के लिए जीना है। चुनाव करो तुम्हें किसके लिए जीना है। हालेलुया। देखिए चार का एक में किस बार किस प्रकार लिखा हुआ है। लिखा है, इसलिए जैसे मसीह ने शरीर में दुख उठाया, तुम भी इसी अभिप्राय से हथियार धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। पहले भाग में चार के एक में क्या कह रहा है, वो ये बता रहा है मसीह के लिए अगर जीना है, अगर आप ये चुनाव करते हो कि मुझे प्रभु के लिए अपने जीवन को जीना है, यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को जीना है, वो जीवन कैसा दिखाई देगा, उस जीवन के चुनाव कैसे होंगे। हालेलुया, वो इस बात को बता रहा है। अगर हम प्रभु के लिए जीना चाहते हैं तो हमारे जीवन में कौन सी चीजें पाई जाएगी और हम किस चीज को चुनाव करें, किन चीजों के लिए तैयार रहेंगे। चार के एक में लिखा है, जैसे मसीह ने शरीर में दुख उठाया, क्या किया, दुख उठाया। अगर प्रभु के लिए जीना चाहते हो तो दुख उठाने के लिए तैयार रहे। अगर प्रभु के लिए संसार में जीना है, यीशु मसीह के लिए प्रभु इस संसार में जीना है, तो हमें दुख उठाने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तैयार हो जाइए, आपके जीवन में दुख आने वाला है। हालेलुया। लेकिन इस दुख को आप उस प्रकाश में देखिए जो आशीषें आपको अनंत काल में मिलने वाली हैं। हालेलुया। जब हम उनको देखते जो आशीषें यीशु में हमें मिलने वाली हैं, तब आप दुख उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन आप देखेंगे कि जो इस दुनिया में जो फेमस प्रचारक हैं, पास्टर्स हैं, भविष्यवक्ता हैं, वो लोग तो इस बात को नहीं सिखाते कि भाई दुख तुम्हारे जीवन में दुख आएगा। पत्रस तो कह रहा है, यीशु के लिए जीना चाहते हो, दुख उठाने के लिए तैयार रहो। इस संसार में आज के समय में ये बातें थोड़ी विचित्र लगती होगी बहुत सारे लोगों को, क्योंकि आज के वर्तमान संसार में क्या सिखाया जाता है, यीशु मसीह को मानो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। क्या करो, यीशु मसीह को मानो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दुख दूर हो जाएंगे। अब वो लोग आएंगे क्या करने के लिए, दुख दूर करने के लिए। दूर हो जाएंगे फिर वो लोग भी चले जाएंगे। ऐसी शिक्षा संसार में दी जाती, वर्तमान संसार में आप लोग सुन सकते हैं, यूट्यूब पे भरी पड़ी ये शिक्षाएं कि भैया तुम मसीह में आओगे, मसीह में अगर यीशु मसीह को अपना प्रभु मान के तुम स्वीकार कर लोगे, अरे तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएगा, तुम्हारे जीवन में कष्ट नहीं आएगा। ये आज के संसार की शिक्षा है।
तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही भाई, यीशु पर विश्वास कर, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी। यीशु मसीह में आ जाओ, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। और क्या सिखाते हैं? वीजा लग जाएगा। अरे जिस जिसको वीजा चाहिए अपने पासपोर्ट को ऊपर उठाइए, प्रार्थना की जाएगी आपके लिए, तुम्हें वीजा मिलेगा। ये शिक्षा आज की वर्तमान संसार की शिक्षा है। जिस वीजा मिल जाएगा, यीशु मसीह में आ जाइए। और क्या शिक्षा मिलती? मिरेकल मनी, अपने पर्स को ऊपर उठाइए, हम प्रार्थना करेंगे मिरेकल मनी आपके पर्स में आएंगे। आपके पर्स में पैसे नहीं होंगे, आपके पर्स में पैसे आएंगे, आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, मिरेकल मनी। ये आज के वर्तमान संसार की शिक्षा है। और क्या होता है? संसारिक आशीषों की शिक्षाएं इस आजकल वर्तमान संसार में दी जा रही हैं। तुम अमीर हो जाओगे, तुम बड़ी बड़ी नौकरी तुम्हारी लग जाएगी, सब कुछ तुम्हारा बदल जाएगा। ये शिक्षाएं आज के समय पर दी जा रही है। अमीर होने के सपने दिखाते हैं। क्या होने के? अमीर होने के। पाप, नरक, पश्चाताप, यीशु का बलिदान, पापों की क्षमा, उद्धार, प्रभु यीशु का आगमन, ये सब चीजें उनके प्रचार में गायब, ये चीजें नहीं मिलेंगी। ये आज के वर्तमान समय की शिक्षा है, ये सिखाया जाता है। लेकिन ये शिक्षाएं झूठी हैं। क्या है? झूठी है। इस वर्तमान संसार में अगर हमें प्रभु के लिए जीना है, अगर हम ये चुनाव करते हैं कि मुझे मेरे प्रभु यीशु मसीह के लिए संसार में जीना है, तो दुख उठाने के लिए तैयार हो जाइए। आपको दुख उठाना पड़ेगा, अपने शरीर में, अपनी आत्मा में आपको दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। चुनाव कर लीजिए आपको किसके लिए जीना है, खुद के लिए या परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के लिए जीना है, दुख उठाने के लिए तैयार हो जाइए। वो अमीर होने के सपने दिखाते हैं, तो अमीर हो जाओगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते थे? मत्ती 8:20 में यीशु ने उनसे कहा, लोमड़ियों के भट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की जगह भी नहीं है। और प्रचार क्या किया जाता है? यीशु मसीह में आ जाओ, तुम अमीर हो जाओगे। नो, ये गलत शिक्षा है, इस पे ध्यान मत दीजिए। सच ये है, यीशु मसीह के पीछे चलना है तो हमें दुख उठाना पड़ेगा, हमें दुखों का सामना करना पड़ेगा। अगर ये दृष्टिकोण आपके मन में और आपके दिल में, आपकी आत्मा में क्लियर नहीं है, तो सताओ जब आपके सामने आएगा, पीछे भाग जाओगे, क्योंकि आपने सही तरीके से प्रभु यीशु मसीह को सिखाए नहीं, जाना ही नहीं। प्रभु के पीछे चलना है तो दुख उठाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एक साधारण सिंपल जीवन उन्होंने संसार में आकर उन्होंने जिया। उनका जीवन वैसा नहीं था जैसे संसार के और बाबाओं के जैसा होता है। उनके पास गाड़ी, बंगले, घर, सोना चांदी सब कुछ होता है। उनके जैसा जीवन नहीं था प्रभु का। प्रभु का जीवन सिंपल और साधारण जीवन था, प्रभु के प्रति समर्पित जीवन था। हालेलुया। तो ये सपने देखना छोड़ दीजिए कि आपके जीवन में बहुत सारी प्रभु आशीष देगा, ऐसी बात नहीं है। प्रभु अद्भुत काम करता है। कौन कौन विश्वास करता है? मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा के वरदानों में, उसकी सामर्थ्य में, उसके कार्यों में, मैं विश्वास करता हूं। लेकिन ये बात भी सत्य है कि हमें दुख का सामना करना पड़ेगा इस संसार में, और हमें चुनाव करना है किसके लिए जीना है। प्रभु के लिए तो दुख उठाने के लिए। प्रभु यीशु जो खुद ईश्वर थे, उन्हें इस धरती पर आदर, सम्मान, प्रेम और सुख सुविधा नहीं मिली, उन्होंने दुख उठाया। उन्होंने क्या उठाया? उन्होंने दुख उठाया हमारे लिए, उन्होंने दुख उठाया। हालेलुया। और साफ साफ शब्दों में प्रभु यीशु मसीह ने हम सबसे कहा है, उन्होंने मुझे सताया है, वो तुम्हें भी सताएंगे। क्या कहा? उन्होंने मुझे सताया है, वो तुम्हें भी सताएंगे। ये हमारे लिए लिख दिया गया प्रभु के वचन में, उन्होंने मुझे सताया है, वो तुम्हें भी सताएंगे। यूहन्ना 15 उसका 18 से 20 में लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु तुम इस कारण कि तुम संसार के नहीं
वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। क्या रखता है? बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। दास कभी स्वामी से बड़ा नहीं होता, उन्होंने हमारे स्वामी को भी सताया गया तो हम दासों को भी सताया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को क्लियर किया। अब इस बात को आप जानते हैं कि हमें प्रभु के लिए जीना है तो दुख उठाना पड़ेगा, हमारे सामने दुख आएंगे। हम ये उम्मीद कभी ना करें कि मेरे जीवन में दुख नहीं आएगा। जब दुख आता है तो हम सोचने लगते हैं, प्रभु तुम मुझसे नाराज हो गया क्या, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं कहना। उसने खुद दुख उठाया है हमारे लिए, और हम जब तक इस संसार में, इस पापी संसार में हैं, हमें उसके लिए दुख उठाना पड़ेगा। मसीह के लिए जीना है तो दुख उठाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। दुख उठाने के लिए कैसे हम तैयार हो सकते हैं? लिखा, इसलिए जैसे मसीह ने शरीर में दुख उठाया तो तुम भी इसी अभिप्राय से हथियार धारण कर लो। क्या धारण कर लो? हथियार धारण कर लो। हथियार धारण करने का क्या मतलब है? मसीह की मनोवृत्ति को अपने दुख उठाने के लिए अपना हथियार तुम बना लो। मसीह की मनोवृत्ति को, उसके उसके रवैये को, उसके एटीट्यूड को आप लोग अपनाइए। जैसे उसने दुख उठाया, जैसे दुख के समय उसका जवाब होता था, उसका रवैया होता था, वो हमारा होने पाए। ये है अभिप्राय, इसी अभिप्राय से हथियार धारण करने का मतलब। हालेलुया। मसीह की मनोवृत्ति को अपना हथियार हमें बनाना है। हमारा रवैया प्रभु यीशु के जैसा होना चाहिए, मतलब अपने आप को हम तैयार रखें, हम तैयार रहें। जैसे प्रभु दुख उठाने के लिए तैयार थे, हमें भी दुख उठाने के लिए तैयार रहना है। मैं बहुत ज्यादा दुख 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 कर, दुखी मत हो जाना, ठीक है? ये प्रभु के वचन का सत्य है जो हमें पता होना चाहिए। हम प्रभु के वचन, कई बार ऐसा होता है कि हमें संसार में जो शिक्षाएं होती हैं, जैसे लोगों को अच्छी लगती हैं, वो उन बातों को सीखते हैं, लेकिन वो उनका नुकसान है, क्योंकि वो सच्चे प्रभु के बारे में, सच्चे परमेश्वर के बारे में सही जानकारी को, सही ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पा रहे। उनको वो बताया जाता जो कि कानों को अच्छा लगता है। और प्रभु ने कहा भी था, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि लोग ऐसे प्रचारकों को, ऐसे जो भविष्यवक्ताओं को ढूंढ लेंगे, जो ऐसी बातें बोलेंगे जो उनके कानों को अच्छी लगेगी, उनके कानों की खुजली मिटाने वाली बातें सुनने लोगों को अच्छा लगेगा। लेकिन सत्य सुनने के लिए हम अपने हृदय को, अपने आत्मा को, अपने कानों को हमेशा हम तैयार रखें। जब हमारे सामने दुख आता है, परेशानी आती है, तो हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें, किस प्रकार उसने दुखों का सामना किया हमारे लिए। उसकी मनोवृत्ति को, उसके मन को हमें अपनाना है। हालेलुया। जब एकदम से जब आपके सामने दुख कष्ट आए तो ये मत बोलो, अरे यार ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। हैरान नहीं होना। हालेलुया। क्या नहीं होना? हैरान नहीं होना। प्रभु यीशु मसीह को जब सताया गया, हम प्रभु की मनोवृत्ति को अपनाने की बात कर रहे हैं, प्रभु के रवैये को अपनाने की बात कर रहे हैं। यीशु मसीह जैसे संसार में जिया, वैसे जीने की बात हम कर रहे हैं। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह के सामने जब दुख आया, वो अचंभित नहीं हुए। क्या आपने कहीं पर बाइबल में ये देखा है कि यीशु मसीह ने क्या ऐसा कहा, अरे इसकी तो मैंने उम्मीद ही नहीं की थी, ये कैसे मेरे साथ हो गया? कहीं लिखा है क्या? प्रभु यीशु मसीह के साथ जब बुरा बर्ताव हुआ, उनके उनके ऊपर सताव आया, वो कभी भी अचंभित नहीं हुए, क्योंकि उनको पता था कि उनके साथ ऐसा होना तय है। पुराने नियम में उनके बारे में पहले से ही वो लिख दिया गया था, वो अपने साथ क्या होने वाला है, यीशु के साथ क्या होने वाला, वो पहले से जानते थे। हालेलुया। और बार बार जब हम नए नियम पढ़ते हैं, कितनी बार प्रभु ने कहा कि जो तुम ये लोग जो पढ़ते हो, ये मेरे बारे में लिखा हुआ है। हालेलुया। पुराने नियम में यशायाह की किताब 53 अध्याय 5 वचन में पढ़ रहा हूं, वैसे पूरा अध्याय प्रभु यीशु मसीह के दुख उठाने के बारे में लिखा हुआ है। 5 में ऐसे लिखा है, 53 के 5 में, वह परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया
वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के कारण उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हालेलुया। ये जो वचन है प्रभु यीशु मसीह के आने से 700 साल पहले, कब? 700 साल पहले लिख दिया गया था। इसलिए प्रभु को अचंभा नहीं हुआ जब उनके साथ में ऐसा हुआ। वो उस दुख को उठाने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनको पता है कि मुझे उठाना पड़ेगा, क्योंकि मानव जाति का उद्धार इसी रीति से होना तय है। हालेलुया। वो अचंभित नहीं हुए। हमारे विषय में भी पहले से ही इस बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने ये लिख दिया है कि जैसे उन्होंने मुझे सताया है वैसे वो तुम्हें भी सताएंगे। हालेलुया। वो हमें भी सताया जाएगा, तो इसलिए तैयार रहें। इसी अभिप्राय से हथियार आप धारण करके रखें, यानी कि मसीह की मनोवृत्ति को, प्रभु के रवैये को आप अपना के अपने जीवन को जिए। हालेलुया। हम उस विषय में बात कर रहे हैं, अगर हमें मसीह के लिए जीने का चुनाव करना है तो उस जीवन में क्या क्या बातें होंगी। वो दुख उठाने के लिए तैयार रहेंगे और मसीह के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर वो चलेंगे, उसकी मनोवृत्ति को वो अपनाएंगे। हालेलुया। तीसरी बात है, अगर हमें प्रभु के लिए जीने का चुनाव करना है तो हमें अपने आप को पाप से दूर करना होगा। अपने आप को पाप से दूर करें। हालेलुया। एक वचन के अंदर ही ये बात लिखी है, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पापों से छूट गया है। अब यहां पर पत्रस ये नहीं कह रहा है कि अगर आप दुख उठाओगे, पीड़ा अपने शरीर में अगर आप उठाओगे तो आप दुखों से आजाद हो जाओगे। यहां पर वो नहीं, इस बारे में बात नहीं हो रही है। हम सताव सहेंगे, कई बार दुखों का सामना करेंगे, फिर भी हमसे गलतियां होती रहेंगी। यहां पर वो बात नहीं हो रही कि तुम सताव का सामना करोगे तो पापों से छूट जाओगे। ये बात जरूर है कि जब हम सताव, परेशानी हमारे सामने जब आती है, वो हमें मजबूत जरूर कर देती है, वो हमें स्ट्रॉन्ग कर देती है। हालेलुया। वो हमें मजबूत कर देती है। अपने आप को पापों से दूर करो, जो हमने पढ़ा, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया है वो पाप से छूट गया। यहां पर वो चुनाव करने की बात कर रहा है कि तुम चुनाव कर लो, तुम्हें परमेश्वर के लिए जीना है या फिर पाप के लिए। क्योंकि जो परमेश्वर के लिए जीना चाहता है, वो व्यक्ति जो परमेश्वर के लिए जीना चाहता है, वो क्या करेगा? वो अपने आप को पाप से दूर कर लेगा। ये मतलब है यहां पर लिखी हुई बात का। जो परमेश्वर के लिए जीना चाहता है, जो ये चुनाव करता है कि मुझे परमेश्वर के लिए जीना है, वो अपने आप को पाप से दूर करेगा। वो पाप में जीवन नहीं जिएगा। वो अपने पुराने जीवन के अनुसार अपने जीवन को नहीं जिएगा। वो अपने पुराने आचरण के अनुसार आचरण नहीं करेगा। वो पाप से अपने आप को दूर कर लेगा, और पाप से अपने आप को दूर करके परमेश्वर के चरणों में उसके वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए, पवित्रता के साथ जीने के लिए, ईमानदारी के साथ जीने के लिए, आज्ञाकारिता के साथ जीने के लिए अपने जीवन को वो समर्पित कर देता है। हालेलुया। वो पाप नहीं करता, वो अपने जीवन को पवित्रता के साथ जीने के लिए, आज्ञाकारिता के साथ जीने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए अपने जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता है, अपने आप को पाप से छुड़ाकर। हम अपने आप से पूछें, किसके लिए हम जी रहे हैं? आपने क्या चुनाव किया है? हम सब वर्तमान में जो जीवन जी रहे हैं, उस जीवन के चिन्ह क्या बताते हैं? क्या हम परमेश्वर के लिए जी रहे हैं या हम खुद के लिए जी रहे हैं? अगर आज भी हम अपने आप को पुराने पापों में बांध कर चलते हैं, आज भी हम पुराने पापों का लुत्फ उठाते हैं, आज भी अगर हम पुराने मनुष्यत्व को अपने जीवन में लेके चलते हैं, आपने प्रभु के लिए जीने का चुनाव नहीं किया है। आप आज भी अपने शरीर के अभिलाषा को पूरा करने के लिए जी रहे हैं, क्योंकि पाप करने में मजा आता है। जो प्रभु के लिए जीने का चुनाव करता है, वो अपने आप को पाप से दूर कर लेता है। क्या हमने अपने आप को पापों से दूर कर लिया है? क्या मेरे जीवन से मैंने इन पापों को निकाल फेंका है, जिससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती? पूछिए अपने आप से, अगर आज भी हम उन पापों में जी रहे हैं
जो हमने कभी छोड़ दिए थे और फिर से हम उन पापों में अपने जीवन को जीने लगे हैं, क्योंकि ये दुनिया हमें अच्छी लगती है, ये रंग बिरंगी दुनिया सुंदर लगती है हमें, इसके रंग इसके ढंग हमें अच्छे लगते हैं, हम इसी में खुश रहना चाहते हैं, यही मेरा घर है, ये दुनिया हमारे लिए, जैसे वो होता ना क्या कहावत है, मेंढक को लगता है कि ये कुआं ही मेरी दुनिया है ना, वो उसी में आनंदित रहता है, उसी में उछलता रहता है, उसी में अपना मस्त रहता है। पाप में जो व्यक्ति जीता है उसको यही लगता है कि भैया सब कुछ इधर ही है, खुल के प्यार व्यभिचार करो, खुद खुल के जैसे अपनी मर्जी से जीना जियो, बुरा व्यवहार करना किसी के साथ करो, गंदी चीजें देखनी है देखो, गंदे कर्म करने हैं करो, जो अपने लिए जीता है वो इस प्रकार का जीवन जीता है। अपने आप से हम पूछें, क्या मैं प्रभु के लिए जी रहा हूं या फिर मैं अपने लिए खुद के लिए जी रहा हूं, क्योंकि जो खुद की अभिलाषाओं को पूरा करने में लगा हुआ है वो प्रभु के लिए नहीं जी रहा है, वो खुद के लिए जी रहा है। ये सवाल है हम सबके लिए, पूछें अपने आप से किसके लिए हम जी रहे हैं। चार में लिखा है, इन सब बातों में उनको आश्चर्य होता है कि तुम ऐसे भारी दुराचार में उनका साथ नहीं देते, अतः वे तुम्हारा अपमान करते हैं। वे लोग जिन्होंने प्रभु के लिए जीने का फैसला किया है, उन्होंने अपने पापी जीवन को छोड़ दिया है, जिनके साथ मिलके वो पाप के काम करते थे, अब उन्होंने उनसे दूरी बना ली है क्योंकि वो प्रभु के लिए जीना चाहते हैं। अब वो लोग वर्तमान में अभी भी पाप ही कर रहे हैं, हमने अपने आप को अलग कर लिया है, उनको जब वो हमें देखते हैं उनको अचंभा होता है, कैसे इसका जीवन बदल गया, ये तो मेरे साथ पहले शराब पीता था, ये तो मेरे साथ पहले व्यभिचार करता था, ये तो मेरे साथ मिलके गंदे कामों में मेरे साथ में शामिल होता था, आज इसको क्या हो गया, आज ये क्यों नहीं करता, उसको अचंभा होता है। और उसके लिए हमारा जीवन, हमारा चुनाव कि हमने प्रभु के लिए जीना है, हमारा ये चुनाव उस व्यक्ति के लिए एक डांट के समान है, एक चुनौती के समान है जो अभी भी पाप में जी रहा है। इसलिए ध्यान दीजिए, हम कैसे जी रहे हैं, कैसा जीवन है हमारा। अगर हम पापों से दूर होकर अपने जीवन को प्रभु के लिए जीते हैं, आपके दोस्तों की जिंदगी बदल सकती है, अगर बदलेंगे नहीं तो उनकी तरफ से आपको सताओ भी आपको सहन करना पड़ता है, क्योंकि लिखा है तो तुम्हारा अपमान करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, अरे क्या हो गया तुझे, तू कौन सी दुनिया में चला गया, अरे यार तू क्यों नहीं करता है, तुम पागल है, पागल कहेंगे। जब हम प्रभु के लिए जीने का चुनाव हम करेंगे, लोग हमें पागल, हमें मूर्ख कहेंगे, उनको नहीं पता कि ये संसार की अभिलाषाएं समाप्त होती जाती है। हालेलुया। और प्रभु के लिए जो जीने का चुनाव करते हैं वो अपने जीवन को कैसे जीते हैं, उनका जीवन कैसा होता है, वो गंभीरता के साथ अपने जीवन को जीते, सीरियसनेस के साथ में, ढीले ढाले पन के साथ में अपने जीवन को नहीं जीते। ढीलापन क्या होता है, ढीलापन आप लोग सब जानते हैं, ढीला ढाला जीवन कैसा दिखाई देता है, संडे को आराधना की, मंडे को कुछ और ही कर रहे है ना, संडे को यहां पर खूब ताले बजा के पापा जी ओ प्रभु जी खूब तालियां बजाए, खूब प्रार्थना की, घर जाके फिर वही गंदगी फैला रहे हैं, वो है ढीलापन, वो है ढीली जिंदगी। यहां पर प्रार्थना करके जाते हैं, प्रभु इस चीज से मुझे छुड़ा ले, ये चीज गलत है पता है, घर जाके फिर से वही काम करते हैं, ये ढीली जिंदगी। यहां पर निर्णय लेते, प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगी, तेरी महिमा करूंगी, तेरे नाम को ऊंचा करूंगी, घर जाके ये सोचते हैं कि मेरे फॉलोअर कैसे बढ़ेंगे, ये है ढीली जिंदगी। और ढीली जिंदगी से प्रभु खुश नहीं है, ये है ढीली जिंदगी। जब आप इधर संडे को आप आराधना करते हैं और बाहर जाके शराब पी रहे अपने दोस्तों के साथ मिलके, सुट्टे मार रहे हैं अपने दोस्तों के साथ मिलके, ये ढीली जिंदगी है, बेकार जिंदगी, खोखली जिंदगी। यहां पर हम आराधना करते हैं, खूब मिलके प्रभु की स्तुति करते हैं, बाहर लोगों के बीच में गंदे गंदे जोक्स एंजॉय कर रहे हैं, ये ढीली जिंदगी है। एक
व्यक्ति जिसने प्रभु के लिए जीने का फैसला किया है, जिसने प्रभु के लिए अपने जीवन को जीने का चुनाव किया है, वो व्यक्ति गंभीरता से अपने जीवन को जीता है, ढीलेपन के साथ नहीं जीता। कैसे हम अपने जीवन को जीते हैं? अब बैठ के हमने आराधना की, खूब तालियां बजाई, खूब महिमा करी और बाहर जाके चुगलियां कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ऐसा होता है, दिल दुखता है, आत्मा दुखती है, लेकिन प्रभु से हिम्मत मांगते हैं, प्रभु बदले हम लोगों को। यहां पर बैठ के खूब गीत गाते हैं ना, हाथ हिला हिला के पूरे हिल जाते हैं, बाहर जाके पास्टर की निंदा करते हैं। वचन में पावर नहीं है भैया, तुम्हारी बुद्धि की पावर खत्म हो गई है। ये वचन जो है वो प्रभु का वचन है, ये पास्टर का वचन नहीं है। मेरे वचनों में वो ताकत, वो शुद्धता नहीं है। मैं तो प्रभु का वचन बोलता हूं। अगर इसमें आपको पावर नहीं लग रही तो कहीं ना कहीं आपकी बैटरी गुल हो गई है। यहां पर बैठ के आराधना करते हैं और फिर अपने घरों में बैठ के पता नहीं उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। भैया क्या कर रहे हो? ये जिंदगी ऐसे जियो जैसे कि आज आपका आखिरी दिन है। और वही वो इस बात को आगे सात वचन में कहता है, क्या लिख रहा है? सब बातों का अंत निकट है, अतः समझदार होकर प्रार्थना के लिए तत्पर रहो। सब बातों का अंत निकट है, क्या कह रहा है वो? सब कुछ खत्म हो जाने वाला है, तुम अंतिम दिनों में अपने जीवन को जी रहे हो। उनको चेतावनी देने को बता रहा है, और ये वचन आज हमारे लिए भी एक चेतावनी है। हम जिस जीवन में जी रहे हैं ये अंत के दिन है, अंत का समय है। आप बोलोगे कैसे अंत का समय है? आप संसार में चारों ओर हो रही चीजों को देखिए, अंत के दिनों में होने वाली चीजों को आप देख पाओगे। ये महामारियां, ये लड़ाइयां, ये झगड़े, ये बाढ़, तूफान, भूकंप जो हमारे चारों ओर हो रहे हैं, ये बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। अंत के दिनों में झूठे भविष्यद्वक्ताओं का बहुत बोलबाला होगा, ऐसा हो रहा है। प्रभु के वचन के अनुसार इस दुनिया को देखिए, आपको समझ में आएगा आप कौन से समय में जी रहे हैं। हम अंत के समय में जी रहे हैं, वो समय जब प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है, बहुत निकट है। अंतिम दिनों में सब बातों का अंत निकट है, सब कुछ खत्म हो जाने वाला है, सब कुछ का अंत हो जाने वाला है। इसलिए अपने जीवन को समझदारी के साथ जिए, ऐसे जिए जैसे कि आज आपके पास अंतिम दिन है, लास्ट दिन है। एक व्यक्ति के पास जिसके पास अंतिम दिन होता, किसी बीमार व्यक्ति को आपने देखा होगा, कैसे वो अपने जीवन को जीता है? उसको पता है कि मैं आज की रात नहीं देख पाऊंगा। उसके अंदर एक नम्रता होती है और वो उनसे भी, उनके प्रति भी प्रेम दिखाता, जिसके जिसने उनके प्रति जीवन भर कभी प्रेम नहीं दिखाया, वो उनसे भी प्रेम भरी बातें करने लगता है जिनसे उसने जिंदगी भर नफरत की। वो उनसे भी माफी मांगता है और माफ, जिनको माफ करने के तो उनको माफ करता है जिनके विरुद्ध उसने गलती की थी। अंतिम दिन की वैल्यू समझते हैं आप? कैसे जिएंगे जब आपको पता है कि मेरा अंत होने वाला है? सब बातों का अंत निकट है, अतः समझदार होकर प्रार्थना के लिए तत्पर रहो। हम अंत के दिनों में जी रहे हैं, प्रभु का आगमन बहुत करीब है, इसलिए ढीलेपन से बाहर निकलिए, अपने जीवन को मजबूत कीजिए। और याद रखिए, आज के समय में जो लोग प्रभु से दूर हो रहे हैं ना, ये वो लोग हैं जो कमजोर हैं, जो ढीले ढाले लोग हैं ये, क्योंकि अंदर आत्मा में ताकत नहीं है। भीतरी मनुष्यत्व जो है वो कंगाल है, खत्म है, मजबूत नहीं है। क्यों? क्योंकि वचन कभी पढ़ा ही नहीं। चर्च में हफ्ते में एक ही बार, महीने में एक ही बार आते थे। संडे को कमर दर्द हो जाता है, घुटने दर्द करने लगता है, संडे कोई मेहमान आ जाते हैं। ये चीजें हैं जो आपको अंदर से कंगाल कर रही है आत्मिक रीति से, इस बात को समझ लीजिए। और अंतिम समय में ऐसे ही लोग ये कहेंगे, अरे मुझे क्षमा कर दो, मैं गलती होगी, मैं चर्च में जाने लगा। आप बताओ कैसे जिना, वैसे तैयार हूं कैसे? मतलब क्या करेंगे? प्रभु का त्याग कर देंगे। ऐसे ही लोग प्रभु से दूर हो जाएंगे। मैं आप लोगों को और अपने आप को ये चेतावनी दे रहा हूं प्रभु के वचन के द्वारा
प्लीज अपने आप को प्रभु के वचन में मजबूत कीजिए। आराधना, प्रार्थना, वचन, संगति, सेवा, ये सामने लिखा हुआ है, ये पांच चीजें हमारी जिंदगी में होनी चाहिए और बड़ी दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ में। ये चीजें जिस व्यक्ति की जिंदगी में नहीं है, सही मायने में वो व्यक्ति मसीही व्यक्ति ही नहीं है। और जो चीजें, ये चीजें उसके जीवन में नहीं है, वो व्यक्ति होगा जो प्रभु का इनकार करेगा। क्यों? भीतरी मनुष्यत्व में ताकत नहीं है सामना करने की। लेकिन जब वचन का वचन हमारे भीतर होता है, वचन हमारे जीवन की परिस्थितियों से बात करता है और वो हमें अंदर से बुलंद करता, हमें सामर्थ देता है हर सिचुएशन के अंदर खड़े होकर सामना करने की। वचन ही नहीं होगा, कैसे सामना करोगे? सामना नहीं करोगे, वही करोगे जो सामने वाला चाहेगा। प्रभु यीशु मसीह का जब उनकी मिनिस्ट्री की शुरुआत हुई, ऐसा लिखा हुआ कि आत्मा उन्हें जंगल में लेके चला गया और वहां पर शैतान उन्हें परखने लगा। अध्याय 4 मत्ती में देखना। और जो जो जिस जिस बातों के लिए प्रभु को परखा गया, उन सब बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया। कहां से दिया पता है? बाइबल के वचन से, क्योंकि वो वचन को जानते थे। वचन से शैतान की हर परीक्षा का उसने सामना किया, वचन से शैतान को उसने जवाब दिया, क्योंकि उनके वचन, उनके अंदर वो वचन बसा हुआ था, उनके दिल में, उनकी आत्मा में, उनके हृदय में वो वचन बसा हुआ था। और लिखा है अंत में शैतान वहां से चला गया और स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। जब तक वचन आपके अंदर नहीं होगा, आप मजबूत नहीं हो पाएंगे, प्रभु को जान नहीं पाएंगे, इस दुनिया के लिए इसके उद्देश्य को जान नहीं पाएंगे, अपने जीवन के लिए इसके उद्देश्य को जान नहीं पाएंगे। इसलिए वचन पढ़िए। होम ग्रुप किस लिए रखा गया है? इसीलिए कि हम वचन सीखे, हम वचन में मजबूत हो जाए, इसीलिए रखा गया है। ये कोई ऑप्शन नहीं है कि भैया ठीक है जब समय होगा जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं जाएंगे। ये जरूरी बात है हमारे लिए। जब होम ग्रुप होता है आपके अंदर, ये लगन होनी चाहिए कि मुझे आज होम ग्रुप है, शुक्रवार है और आज होम ग्रुप, इसलिए मुझे अपने काम समय से निपटा लेने, क्योंकि मुझे शाम को होम ग्रुप में जाना है। क्या हम इस जरूरत को अपने अंदर महसूस करते हैं? क्या आपकी आत्मा वचन की खुराक मांगती है? अगर नहीं मांगती तो शायद आप अपनी आत्मा को दुनिया की चीजों से तृप्त कर रहे हो और ये चीजें तो नाश हो जाएंगी और साथ में आपको भी नाश कर लेंगी। इसलिए अपने जीवन को गंभीरता के साथ जिए। इस संसार में प्रभु ने हमें रखा है कि हम उसकी उसकी गवाही संसार के अंदर दें, अपने चरित्र के द्वारा, अपने कामों के, सब बातों के द्वारा, हमारे जीवन का हर एक हिस्सा प्रभु के लिए समर्पित हो और हमारे हर चीज से प्रभु की महिमा हो। ये होता है गंभीरता के साथ अपने जीवन को जीना। कैसे जी रहे हैं हम अपने जीवन को? चर्च को हल्के में मत लीजिए। प्रभु ने इस कलीसिया को रखा है, इसका मतलब ये प्रभु की योजना है। ये वो स्थान नहीं है कि अपनी मर्जी से कभी आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारी जिंदगी का। जैसे तालाब एक मछली के लिए होता है ना, वैसे ही ये कलीसिया विश्वासियों के लिए जीवन है। अगर मछली को तालाब से बाहर कर दिया जाए ना, वो तड़प के मर जाएगी। वैसे ही एक विश्वासी अगर कलीसिया के से दूर हो गया, वो खत्म हो जाएगा, वो नाश हो जाएगा, क्योंकि कलीसिया मसीह की देह है। क्या है कलीसिया? मसीह की देह है। हम मसीह की देह के अंग हैं और जो अंग देह से अलग हो जाता है वो सूख जाता है, वो खत्म हो जाता है, वो उपयोग करने लायक नहीं बचता है। अगर मेरा हाथ कट जाए, ये इससे अलग हो जाए, तो ये हाथ क्या ऐसा ही रहेगा हमेशा? क्या इससे इसे इस्तेमाल किया जा सकेगा? क्या करना पड़ेगा इसको? इसको फेंकना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बदबू आएगी, ये सड़ जाएगा। वैसे ही एक विश्वासी होता है, जब कलीसिया से दूरी बना लेता है, उसका जीवन भी वैसे ही वो सड़ जाता है आत्मिक रीति से। लेकिन हम अंदर से कई बार बोलते नहीं नहीं, मैं तो प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। पतरस ने क्या बोला था? अगर मुझे तेरे लिए मरना भी पड़े, मर जाऊंगा, लेकिन तेरा इनकार नहीं करूंगा। ओवर कॉन्फिडेंस। और जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे, एक दासी की बातों से वो डर गया। एक दासी ने पूछा, तू भी तो यीशु के साथ में ही है,
बोला मैं नहीं हूं, तू क्या बोल रही है, मैं तो जानता ही नहीं कौन है वो। लेकिन पहले क्या कह रहा था, प्रभु तेरे लिए अगर मरना भी पड़े मर जाऊंगा। यही भाषा हम में से बहुत सारे लोगों की है। मैं एक भाई को जानता हूं, उसकी यही भाषा है कि जरूरी नहीं है कलीसिया जाना, जरूरी नहीं, घर पर भी हम कर सकते हैं। जब आप घर पे करते हैं वो एक आपके मसीह जीवन का एक अलग हिस्सा है, जब आप कलीसिया में करते हैं ये एक अलग हिस्सा है, ये आपको करना, ये आपके जीवन का भाग होना ही चाहिए। इस ओवर कॉन्फिडेंस में ना जिए कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मैं सही रहूंगा। एक ना एक समय पर आकर आप टूट जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए गंभीरता के साथ अपने जीवन को जिए, कहां हम कैसे अपने जीवन को जीते हैं, जहां पर हम काम करते हैं, जहां पर हम रहते हैं, जहां पर हम पढ़ने जाते हैं, कैसे हम अपने जीवन को जी रहे हैं, क्या वो हमारे जीवन से मसीह को देख पा रहे हैं, क्या वो हमारे अंदर मसीह के प्रति समर्पण को देख पा रहे हैं, क्या वो हमारे अंदर मसीह के प्रति प्रेम को देख पा रहे हैं। दोगला जीवन मत जिए प्लीज, दोगला जीवन जीना छोड़ दीजिए, बहुत गंदा शब्द है, लेकिन जीते हैं ऐसे। दोगला जीवन मतलब चर्च में मसीही है और बाहर हम दुनियावी लोग हैं, झूठ बोलना, गंदे कर्म करना, ये दोगला जीवन है। दोगला जीवन मत जिए, गंभीरता के साथ अपने जीवन को जिए। याद रखिए आपके दिमाग में ये क्लियर हो, ये साफ हो कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। अगर अंतिम दिनों में हम जी रहे हैं तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, तो हमारे जीवन में कौन सी बातें होनी चाहिए। लिखा है समझदार होकर, कैसे, सब बातों का अंत निकट है, अतः है क्या होकर, समझदार होकर। क्या मतलब है इस बात का, जो ओरिजिनल भाषा में जो शब्द इसके लिए समझदार के लिए जो आया है, इसका मतलब है भ्रष्ट और बेकार चीजों से अपने आप को दूर कर लो। समझदार हो जाओ का मतलब है अपने जीवन को भ्रष्ट और बेकार चीजों से अलग कर लो। ये मतलब है समझदार होकर जीने का। क्या हमने, जब हम इस वर्तमान संसार में जी रहे, क्या आपने इस संसार की भ्रष्ट और बेकार चीजों से अपने आप को अलग कर लिया है? भ्रष्ट और बेकार चीजों से अलग कर लिया है क्या आपने? मसीह के लिए जीना चाहते हो, अपने आप को भ्रष्ट और बेकार चीजों से दूर कर लोगे। संसार के लिए जीना चाहते हो तो बेकार और भ्रष्ट चीजें ही आपको अच्छी लगेंगी, वही आप करेंगे। इस समझ के साथ हम जिए कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं, इसलिए ऐसे जिए जैसे आपके पास सिर्फ आज का दिन, अंतिम दिन में आप जी रहे हैं। और वो जीवन कैसा दिखता है, उस जीवन में प्रार्थना होती है, वो प्रार्थना में मजबूत होता है। हालेलुया, क्या करता है वो, प्रार्थना। जब हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं, हम समझदारी के साथ जिए, गंभीरता के साथ जिए, और प्रार्थना से भरा हुआ जीवन हमारा होना चाहिए। हालेलुया, ये वो जीवन है जो मसीह के लिए समर्पित है। जिसने मसीह के लिए जीने का चुनाव किया है उसका जीवन ऐसा होगा। हालेलुया, उस वो प्रार्थनाओं में मजबूत होगा। हमें प्रार्थनाओं की बहुत जरूरत है। बहुत सारे विद्वान लोग ये बोलते हैं कि प्रार्थना वो विषय है जिसे सबसे ज्यादा सिखाया जाता है, लेकिन ये वो विषय भी है जिसे सबसे ज्यादा अपने जीवन में लागू किया जाता है। लोग लागू नहीं करते, सिखाते बहुत हैं, सीखते बहुत हैं, बातें बहुत करते हैं, प्रार्थना हम करते नहीं हैं। अंतिम दिनों में जी रहे हो, प्रभु के लिए जी रहे हो, प्रार्थना में मजबूत हो जाइए, प्रार्थना में मजबूत हो जाइए। प्रार्थना समय की बात नहीं है कि मेरे पास तो समय होता नहीं है, मैं कैसे प्रार्थना करूं, ये प्रेम से, प्रेम वाली बात है। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हो तो आप कैसे भी करके प्रार्थना के लिए समय निकाल ही लोगे। अगर आप प्रभु के प्रति समर्पित हो, अगर आपने अपने जीवन को प्रभु के लिए जीने के लिए समर्पित किया है, तो आप कैसे ने कैसे करके अपने प्रार्थना के लिए, इसके साथ प्रभु के साथ समय बिताने के लिए आप वक्त निकाल ही लोगे। ये बहाने हैं कि मेरे पास तो समय नहीं होता, ये बहाने हैं कि बुधवार को मैं नहीं आ पाता, ये चीज है, वो चीज है। बच्चे क्यों, आप याद रखिए, जब झूठ बोलते ना साफ पता चल जाता है, सच्चाई भी पता चल जाती है, झूठ होता है पता चल जाता है।
जिसने अपने जीवन को प्रभु के लिए जीने का निर्णय लिया है वो प्रार्थना में मजबूत रहेगा। ये प्रेम की बात, अगर हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो हम उससे प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमारी आत्मा उसके उससे मिलन करने के लिए भूखी है, प्यासी है। ये प्रेम की बात है, हमारी आत्मा उसके दर्शन की अभिलाषी है, इसलिए हम पीड़ित होकर, व्याकुल होकर हम उसके सामने जाएंगे। चाहे हम अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे उठ के जाएं, या फिर हम लंच टाइम में अपने ड्यूटी पर हों तब जाएं, या फिर ड्यूटी से वापस आने के बाद हम जाएं, या फिर रात को 1 बजे जाएं, 2 बजे जाएं, जब भी जाएं, क्योंकि आप प्रभु से प्यार करते हैं, आपकी आत्मा उसकी अभिलाषा रखती है, आप प्रार्थना के लिए समय निकाल ही लोगे, प्रार्थना में मजबूत हो जाए। और इस जीवन की और क्या चीजें होती हैं जो प्रभु के लिए समर्पित जीवन है, वो एक दूसरे से प्रेम करेंगे। क्या करेंगे? प्रेम करेंगे। सेल्फिश लाइफ नहीं जिएंगे, खुद के लिए नहीं जिएंगे, वो प्रेम करेंगे। मैं एक दिन अपनी वाइफ को कह रहा था कि पता नहीं लोग कैसे अपने जीवन को ऐसे जी लेते हैं कि मतलब वो हम उनको पता है कि हमारे अगल बगल में कोई रहते हैं, हमारे पड़ोस में एक दो लोग रहते हैं, वो कभी किसी से बात ही नहीं करते, तो सामने से आ रहे हैं वो होता है, हम कभी कभी अनजान लोग व्यक्ति से भी हम बात कर लेते हैं, गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते सर, नमस्कार सर, कर लेते हैं ना, लेकिन कुछ नहीं, ऐसे निकल के चले गए। वो मैं एक दिन कह रहा था ये लोग ऐसे कैसे जी लेते हैं, मतलब एक बंद कमरे में बस अपनी ही जिंदगी, अपने ही काम, अपना ही सब कुछ, दूसरों से कोई मतलब नहीं। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा, नहीं, मसीह लोगों का जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम प्रेम से भरे लोग होने चाहिए, हमें एक दूसरे से प्रेम करने वाले लोग होने चाहिए, हमें प्रेम बांटने की जरूरत है। अगर हमारे बगल वाले व्यक्ति के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन एक रिश्ता बनाया जा सकता है, हालेलुया। और आत्मा का रिश्ता खून के रिश्ते से बढ़ के होता है कि नहीं? आत्मा का रिश्ता खून के रिश्ते से भी पावरफुल होता है, ये मैंने अपने जीवन में महसूस किया है। एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे से प्रेम करें, जो जीवन प्रभु के लिए समर्पित है। अगर आपने ये चुनाव किया है कि आप प्रभु के लिए जिएंगे, हालेलुया, तो आप एक दूसरे से प्रेम करेंगे। लिखा है 8 में, सबसे बढ़कर एक दूसरे से, दूसरे के प्रति प्रेम में सरगर्म रहो, हालेलुया, क्योंकि प्रेम असंख्य पापों को ढांप देता है। एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे के प्रति प्रेम में सरगर्म रहो। क्या मतलब है इसका? मुझे सरगर्म का क्या मतलब नहीं क्लियर हो रहा था, तो उसको ढूंढ रहा था मैं कि इसका क्या मतलब है। प्रेम में एक दूसरे के प्रति सरगर्म रहने का मतलब है दिल की गहराई से एक दूसरे से प्रेम करो, हालेलुया, गहराई से एक दूसरे से प्रेम करो, ये मतलब है। एक दूसरे से प्रेम कीजिए, और प्रेम के अंदर क्या भावना होती है? प्रेम असंख्य पापों को ढाप देता है। हमने पत्रस की किताब सीखते वक्त ही अगापी प्रेम के विषय में सीखा था, हालेलुया। हमारा प्रेम दूसरों के प्रति अगापी प्रेम होना चाहिए। अगापी प्रेम में दूसरों को क्षमा करने की भावना होती है, अगापी प्रेम में खुद को दे देने की भावना होती है, अगापी प्रेम में दूसरों के प्रति खुद को समर्पित कर देने की भावना होती है। अगापी प्रेम वो प्रेम होता है कि हम उससे भी प्रेम कर सकते हैं जो हमारे प्रेम के लायक भी नहीं है, वैसा प्रेम हमें करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी हमसे वैसा ही प्रेम किया है, हालेलुया, यीशु मसीह ने भी हमसे वैसा ही प्रेम किया है। प्रेम ऐसा क्या पापों को ढाप देता है। अगर आप प्रेम करोगे, कई बार ऐसा होगा कि जिससे आप प्रेम करते हैं वहां से कुछ ऐसा होगा कि आपको दुख भी होगा, आपको पीड़ा भी होगा कि इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन अगर आपका प्रेम अगापे प्रेम है, वो उसके असंख्य पापों को ढांप देगा, यानी कि प्रेम में क्षमा करने की भावना होती है। अगर आप सच में प्रेम करते किसी से, आप उसे क्षमा करोगे, आप उसे माफ करोगे, क्योंकि आप माफी की सामर्थ को समझते हैं, आप माफी की भावना को समझते हैं। अगर आपने माफी पाई है तो आप माफ भी करोगे, हालेलुया, ये मतलब है एक दूसरे से प्रेम करने का। बचाने वाला प्रेम हमें करना है, हालेलुया। बचाने वाला प्रेम कैसे दिखता है? बचाने वाला प्रेम हमें एक दूसरे से करना है, मतलब
हमें पता है कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर ये कमी है, ये गलती है, ये पाप है। इसके बजाय बजाय इसके कि हम उसकी बात को, उसके उस गुप्त पाप को सब लोगों में फैलाएं, हमें उसके साथ बैठकर उससे बातचीत करनी चाहिए। वो है बचाने वाला प्रेम। उसकी गलती को, उसके गुनाह को दूसरे के सामने गाते मत फिरो, प्रेम से इसकी सहायता करो। और ये वचन हमें सिखाता है कि तुम्हारे मध्य जो लोग कमजोर है उनकी सहायता करो, उनसे प्रेम करो जो हमारे बीच में कमजोर है। हम कई बार वो उम्मीद सामने वाले व्यक्ति से करते हैं जो मैच्योरिटी मेरे अंदर है, जो समझ मेरे अंदर, वो सामने वाले भी होनी चाहिए। उसने अगर गलती कर दी, अरे ये गलती कर दी, तुम्हें पता है ये कैसा, पता है तुम्हें, पता तुझे पता है इसने क्या किया, तुम्हें पता है इसने क्या कर दिया। ये प्रेम नहीं, आप इससे प्रेम नहीं कर रहे हो। लेकिन प्रभु का वचन कहता एक दूसरे से प्रेम करो, और एक दूसरे के बीच ऐसी बातें भी जरूर होंगी, लेकिन इसके बावजूद हमें आप एक दूसरे से प्रेम करना है। हालेलुया। जब यूसुफ को पता चला कि मरियम गर्भवती है और उसको पता चला कि वो उसका बच्चा नहीं है, उसने क्या निर्णय किया कि मैं उसे छोड़ दूंगा, लेकिन मैं उसकी बदनामी नहीं करूंगा, मैं उसकी बदनामी नहीं करूंगा। ये होता है बचाने वाला प्रेम, क्योंकि वो उससे प्रेम करता, उसकी बदनामी मैं नहीं करूंगा। हालेलुया। और एक और प्रेम की भावना को वहां पर लिखा हुआ है। ये प्रेम कैसा प्रेम है? गहराई से किया जाने वाला प्रेम, माफ करे किया जाने वाला प्रेम, माफी से भरा हुआ। नौ में लिखा है बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो। हालेलुया। ये भी प्रेम की भाषा है, एक पहलू है। एक दूसरे की पहुनाई करो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं, खातिरदारी करो, मेहमान नवाजी करो। हालेलुया। ये यहाँ पर जो इसका ओरिजिनल जो अनुवाद है वो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, उनसे प्रेम करो, उनकी मेहमान नवाजी करो जो तुम्हारे बीच में विदेशी हैं, जिन्हें तुम जानते नहीं हो, जिनके साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, जो तुम्हारे कोई सगे नहीं है, उनकी तुम जरूरतों को पूरा करो। यहां पर यह मतलब है दूसरों की पहुनाई करने का, उनकी सेवा कीजिए, उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए जो आपके अगल बगल रहते हैं, जिनसे जिन्हें आप जानते नहीं हैं। अगर आप उन्हें जरूरत में देखो, जाइए अपना हाथ बढ़ाकर उनकी मदद कीजिए। ये प्रेम है। हालेलुया। ये प्रेम है। जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। और क्या है, प्रभु के लिए जो जीवन समर्पित है, जिसने ये चुनाव किया कि मुझे प्रभु के लिए जीना है, उस जीवन में और क्या दिखाई देता, क्या पाया जाता है, वो एक दूसरे की सेवा करता है। ऊपर वाला पॉइंट प्रेम के लिए था, पहुनाई करने वाला भी लगता है सेवा के लिए है, ओरिजिनल में वो प्रेम के बारे में है। एक दूसरे की सेवा करो, ये लिखा हुआ है दस में, जबकि प्रत्येक को विशेष वरदान मिला है तो उसे परमेश्वर के विविध अनुग्रह के उत्तम भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाओ। क्या करो? सेवा में लगाओ। हर एक को एक अलग अलग वरदान परमेश्वर ने दिया है, उन वरदानों को सेवा में लगाओ। हालेलुया। और उत्तम भंडारी के समान एक दूसरे की सेवा में लगाओ, एक दूसरे की सेवा कीजिए। प्रभु के लिए समर्पित जीवन ऐसा दिखाई देता है, वो दूसरों की सेवा करने के लिए समर्पित होता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो सेवा भाव की गहराई को जानता है, क्योंकि उसके प्रभु में उसने इसको देखा है और उसने उससे पाया है। हालेलुया। एक दूसरे की सेवा हमें करनी है अगर हम प्रभु के प्रति समर्पित हैं। एक व्यक्ति जो प्रभु के लिए जीने का चुनाव करता है, वो अपने जीवन को प्रभु की सेवा के लिए समर्पित कर देता है। अब ये नहीं है कि सेवा के लिए समर्पित करने के लिए आपको फुल टाइम आपको सब कुछ छोड़ के आना पड़ेगा, नहीं। परमेश्वर आपको जहां पर आप रहते हो, जहां पर आप काम करते हो, वहीं पर अपनी सेवा आपके आपसे वो लेगा, वहीं पर आपको वो अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करेगा, अगर आप उसकी सेवा के लिए उपलब्ध है तो। हालेलुया। एक दूसरे की सेवा करो। क्या हम सेवा करते हैं? कई बार हम सेवा करते हैं, हमारा उद्देश्य अच्छा होता है कि मुझे किसी के लिए कुछ करना है, मुझे सेवा करनी है, लेकिन हमारा रवैया गलत होता है। हम सेवा करना चाहते हैं, सेवा करते भी हैं, रवैया गलत कहाँ हो जाता है? हम उस सेवा को गाते फिरते हैं, मैंने उनके लिए ये करवाया, मैंने उनके लिए ये किया, मैंने उनको ये दिया। इंटेंशन अच्छा है, उद्देश्य अच्छा है, आपने सेवा की, बहुत अच्छी बात है,
लेकिन गलत उद्देश्य क्या है? आप दूसरों की तारीफ पाना चाहते हैं। सेवा कीजिए, प्रभु के लिए कीजिए। हालेलुया। अंत में क्या लिखा है देखिए, जो एक दूसरे के सेवा में लगाओ। 11 में लिखा, जो भी उपदेश दे वह ऐसे दे मानो परमेश्वर का ही वचन देता हो। जो सेवा करे वो सामर्थ्य करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। किसकी महिमा हो? परमेश्वर की महिमा हो। जो कुछ भी किसी के लिए करते हैं, जो कुछ भी आप किसी के लिए करवाते हैं, उसका उद्देश्य ये हो कि उससे परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं जो कुछ कर रहा हूं इससे लोग मेरी तारीफ करें। क्या बात है, तूने वो करवाया उसके लिए, अरे क्या बात है भाई, तो यार बड़ा बढ़िया आदमी है यार, तूने उसके लिए वो कर दिया, अरे क्या बात है यार, आपने अपनी सेवा पे पानी फेर दिया, खत्म हो गई वो। प्रभु तो ये कहता है कि गुप्त जो सेवा है, हालेलुया, जिसे परमेश्वर देखता है, उसका प्रतिफल हमें मिलता है। सही उद्देश्य के साथ में सेवा करें। जब हम एक दूसरे की सेवा करते, दिखाने के लिए नहीं, लेकिन सच्चे हृदय से परमेश्वर की महिमा के लिए। वही लिखा है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। महिमा और अधिकार युगानुयुग उसी का है, आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए जो जीवन समर्पित है, वो जीवन ऐसे दिखाई देता है। अब हमें चुनाव करना है, आप किसके लिए जीना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए या खुद के लिए? जो परमेश्वर के लिए समर्पित है वो जीवन दुख उठाने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि हम उस परमेश्वर की संतान हैं जिसने हमारे लिए संसार में दुख उठाया है, जिसने हमारे लिए दर्द सहा है, जिसने हमारे लिए अपनी देह को तुड़वाया है, जिसने हमारे लिए अपनी कुर्बानी दी है। हम उस परमेश्वर की संतान हैं। इसलिए कि संसार में जब तक हम हैं, हमारी मनोवृत्ति भी वही होनी चाहिए कि जब प्रभु के लिए मेरे सामने अगर दुख उठाना मुझे पड़े तो मैं दुख उठाऊंगा। कुड़कुड़ाना नहीं प्रभु के सामने, ये नहीं बोलना कि उसने मुझे छोड़ दिया। और वो कैसा दिखाई देता, वो अपने आप को पापों से दूर कर लेता है, क्योंकि पाप और परमेश्वर का मेल कभी नहीं हो सकता। आदम को परमेश्वर ने आदम की वाटिका से निकाल दिया था, क्योंकि उसने पाप किया था। जब तक पाप के साथ अपने जीवन को हम जिएंगे, हम परमेश्वर की महिमा से, हम उसके अनुग्रह से भर नहीं पाएंगे। अपने आप को पाप से दूर करना है। देखिए कौन से पाप हमारे जीवनों में है। गंभीरता के साथ अपने जीवन को जीना है, ढीले ढालेपन के साथ अपने जीवन को नहीं जीना है। गंभीरता के साथ हमारे अंदर एक गंभीर समर्पण हो प्रभु के लिए, उसके चरणों में आने के लिए, आराधना प्रार्थना वचन संगति सेवा करने के लिए हमारे अंदर एक गहरा समर्पण हो प्रभु यीशु मसीह के जैसे। और हम प्रार्थना में हम मजबूत हो जाएं, एक दूसरे से हम प्रेम करें और एक दूसरे की सेवा करें। प्रभु के लिए जीवन जीने का चुनाव अगर आपने किया है तो आपका जीवन ऐसा होगा और ये सारी बातें आपके जीवन में दिखाई देगी। आइए अपनी जगहों पे हम खड़े हो जाएं।